सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद धनराज ये प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और जो आप लोगों ने अभी ऑर्गेनिक और इन चीजों के बारे में आप लोगों ने जो शेयर किया, और स्पेशली थैंक यू फ्रिशिया जिसने बहुत ही प्यारा सुंदर सा संदेश दिया जो कि आज की बहुत बड़ी जरूरत है। और ड्रैगन फ्लोरा केवल ड्रैगन फ्रूट ही नहीं, लेकिन हम ड्रैगन फ्रूट तो सिर्फ एक फसल है जो कोई भी फसल हो सकती है, हम ड्रैगन फ्रूट के अलावा भी बहुत सारी फसलों पर काम करते हैं, लेकिन उस फसल को कैसे उगाया जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर, क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन नेचर में आप देखेंगे जंगल में कभी भी कोई दवाई छिड़कने के लिए नहीं जाता है, कोई खाद पानी देने के लिए नहीं जाता है, लेकिन प्रकृति में सारा का सारा बैलेंस मौजूद होता है। उसके बाद भी हमको बहुत ही बंपर यील्ड मिलती है, लेकिन हम धीरे धीरे करके केमिकल्स को यूज करके हम वो जो एक नेचुरल फार्मिंग का तरीका था उससे दूर हो गए। इसीलिए हमें प्लांट प्रोटेक्शन जैसे विषय के ऊपर चर्चा करनी पड़ती है, उतने जहर जो है वो जमीन में जो हमने डाले हैं उसके कारण पूरा बैलेंस बिगड़ता है। तो आज का जो है उसमें हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत सारे ग्रोवर्स जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट लगा लिया लेकिन बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे वो ठीक होंगी। आज के इस प्रोग्राम के लिए दो तीन और स्पीकर्स आने वाले थे लेकिन किसी वजह से वो आज अपना लेक्चर नहीं दे पा रहे। आगे आने वाले वीक्स में हम उनको इन्वाइट करेंगे और अलग अलग जो एंटोमोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट हैं उनके लेक्चर जो है आपको सुनवाए जाएंगे। लेकिन क्योंकि इंडिया में अभी तक ड्रैगन फ्रूट के ऊपर सिस्टमेटिक कभी किसी संस्थान में बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, तो जितनी भी नॉलेज है वो पूरी की पूरी कंपाइल्ड नॉलेज है, और कुछ जो पिछले 3-4 साल से हम फील्ड में काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, जो दूसरे किसानों से मिल करके हमें पता चली, जो खुद हमारे खुद के फार्म में हमें पता चली, वो सारी चीजें बीच बीच में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ज्यादातर जो है वो रेफरेंसेस सब लिखे हुए हैं जहां जहां से हमने आज के लिए इस पूरे मटेरियल को हमने कंपाइल किया है। सबसे पहले जैसे आपको धनराज ने भी बताया, ड्रैगन फ्लोरा फार्म्स जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एक कंपनी है, और हमें बहुत प्राउड फील करते हैं हम कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो रावी प्रोग्राम है जहाँ पे एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन होता है वहाँ पे हमारा इंक्यूबेशन हुआ है, वो हमारे मेंटर हैं और हमें वो वैल्यू एडिशन ड्रैगन फ्रूट में करने के लिए हमें वहां से सहयोग राशि भी प्राप्त हुई है। ये हमारे डिटेल्स हैं जहाँ पे लोग इस इवेंट के बाद भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज हम पौध संरक्षण के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार आज हमसे जुड़े हैं, तो ये पहली स्लाइड हम हमेशा रखते हैं कि क्या है ये ड्रैगन फ्रूट, किस तरीके से दिखता है। तो ये स्लाइड के अंदर में आप देख सकते हैं, ये जो लोअर लेफ्ट हैंड साइड है ये नया नया जो बाग लगाते हैं खंबे के ऊपर, इसकी ट्रेडिशनल खेती की जाती है। एक खंबे के ऊपर में 4 पौधे लगाए जाते हैं जो पूरी तरीके से विकसित हो जाए, कुछ इस तरीके से पौधे दिखते हैं। और फ्रूटिंग का टाइम चल रहा है अभी, मई जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक अपने यहाँ पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। तो ये इस प्रकार के बर्ड्स आते हैं जो बाद में फ्लावर खिल करके इस प्रकार के लाल रंग का ऊपर से दिखने वाला जो फल है वो ड्रैगन फ्रूट होता है, जो अंदर से लाल भी हो सकता है अंदर से सफेद भी हो सकता है। किसान जो है उनके लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती क्यों आकर्षक है, उन्हें क्यों इसकी खेती करनी चाहिए, ये मुख्य मुद्दे हैं और जो जान लेना जरूरी है इसके कीट प्रबंधन से पहले। पहली बात कि ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टाइप की जमीन की जरूरत नहीं है, बस उसमें पानी नहीं अटकना चाहिए, पानी की न्यूनतम आवश्यकता है। यदि आपके पास सप्ताह में 2 से 3 लीटर पानी भी हो एक पौधे को देने के लिए तो भी आप इसकी फसल, आप आराम से इसकी क्रॉप ले पाएंगे। आप इसका मेंटेनेंस, द मेंटेनेंस इज वेरी वेरी लो, इसका जो रख रखाव है वो न्यूनतम है। इसी के अनुसार ये भारतीय जलवायु के अनुकूल है। अच्छा, आई वॉन्ट टू से समथिंग, लाइक पीपल कीप ऑन कमेंटिंग प्लीज यूज इंग्लिश एंड ऑल। ये जो महीना था यूजुअली हमने नॉर्थ इंडियन हमारे ग्रोवर्स को टारगेट किया था, और उनकी क्योंकि हिंदी में ज्यादा भाषा यहाँ प्रयोग में होती है। द नेक्स्ट मंथ द सेम सीरीज वी विल रन इन द इंग्लिश ऑल्सो। सो जो लोगों को अभी ऐसा दिक्कत है कि इंग्लिश में हिंदी में, नेक्स्ट मंथ हम जितने भी प्रेजेंटेशन देंगे वो सारे के सारे इंग्लिश में होंगे, और इसी का इंग्लिश वर्जन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो इसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि आपको खंबे लगाने पड़ते हैं, पौधे होते हैं, स्ट्रक्चर्स डालना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये जो आपका 4 से 5 लाख रुपया खर्च भी हो जाए, ये भी 2 से 3 सालों में ये आपका रिटर्न हो जाता है और फिर आप प्रॉफिट में चले जाते हैं अगले 27-28 वर्षों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसका जो आगे इसका जो प्रचार प्रसार होता है, प्लांट्स की बिक्री है, वो भी आप उसके बिजनेस में भी आगे जाके जा सकते हैं। इस वक्त नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत अच्छी है और वैल्यू एडिशन करके इसके बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगला जो सप्ताह है, इस 1 मंथ का कंक्लूसिव जो है, उसके अंदर में हम स्पेशल लेक्चर है कि और क्या क्या इसके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करिएगा और उसके उसको भी आप अटेंड करिएगा, तो आप ज्यादा जानकारी पाएंगे। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, मेजर प्रॉब्लम्स इन ड्रैगन फ्रूट। इसके मेजर प्रॉब्लम है क्या क्या? बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने अपने फोटोग्राफ्स हमें भेजे हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। हम कोशिश करेंगे उन सभी को जितना हो सकेगा उतना एड्रेस करने की। यहाँ पर क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, आप लोग जो यहाँ पे क्वेश्चंस रह जाएंगे, आप लोग हमारा फेसबुक पेज है ड्रैगन फ्लोरा के नाम से, हमारा यूट्यूब चैनल है ड्रैगन फ्लोरा द ड्रैगन मास्टर, आप वहां जाकर के, अभी इस वक्त ये फेसबुक लाइव भी हो रहा है, आप लोग वहां कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस, अपने जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके फोटोग्राफ्स यदि आप डालेंगे, तो जैसे ही हमें समय मिलता है हम उसका जवाब आपको वहां पर जरूर देंगे। तो मेजर प्रॉब्लम्स दीज कैन बी कैटेगराइज्ड इन 4 टाइप्स जो इंडिया में है, बेसिकली हम उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर देंगे और इन जनरल थ्योरेटिकली भी हम आपको बताएंगे कि और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं इसके अंदर। कुछ होती है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हम उसे कहते हैं जिसका कोई कोई कीट या कोई रोग, कोई कीटाणु, कोई पैथोजन उसका कारण नहीं होता है। वो कभी गर्मी की वजह से, ठंड की वजह से, इनकरेक्ट पॉलिनेशन की वजह से कभी फलों का या पौधे का शेप बिगड़ जाता है, इस तरीके की चीजें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम में आती हैं, ऐसी ड्रैगन फ्रूट में भी देखी जा रही हैं। फिर एक इंसेक्ट पेस्ट डैमेज की हम चर्चा करेंगे, डिसीज की चर्चा करेंगे और हीट डैमेज को स्पेशल एक और, हालांकि वो भी आपका एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उसमें हम इसे कवर करेंगे। इस पौधे की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कोई पौधा बीमार कब पड़ता है? जिस प्रकार मनुष्य यदि हम स्वस्थ अच्छा बढ़िया खाना खाते हैं जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट हो, हम उस तरीके से काम करें तो हम बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार किसी भी पौधे को उगाने से पहले उसको क्या उसकी रिक्वायरमेंट है वो जान लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम इस रिक्वायरमेंट के लिमिट्स के बाहर जाएंगे तो ही प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो यूजुअली जो एक एवरेज टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री का, वो सिर्फ ड्रैगन फ्रूट के लिए नहीं, ज्यादातर फसलों के लिए ये टेम्परेचर अनुकूल होता है। 500 से 1500 mm की रेनफॉल हो, यदि वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो बहुत अच्छी होती है। इसको बहुत सारी धूप चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा धूप भी इसको डैमेज कर सकती है, इसलिए जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है मई जून के महीने में, थोड़ा सा इसके ऊपर शेड करने का हमारे पास प्रबंध होना चाहिए। हालांकि जो पिटाया है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट कहें पिटाया कहें इसे, तो ये ही टॉलरेंट है, ड्रॉट टॉलरेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको लगा के भूल जाएंगे, इसे पानी नहीं देंगे। टॉलरेंट है लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं होगी जो आपको कमर्शियल क्रॉप के लिए आपको चाहिए होती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 38-40 डिग्री पे काम करता रहता है, इसके ऊपर यदि चला जाए तो पौधे की बढ़वार जो है वो रुक जाती है, इसके लिए हमें शेड करना पड़ता है इसमें। और इंडिया के अंदर में जो ज्यादातर प्रॉब्लम दिखाई दी है वो है ब्लैक, छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, येलो कलर के छोटे स्पॉट्स होते हैं, जो पौधे आते ही जैसे आप खेत में लगाओगे विद इन अ मंथ आपके पूरे पौधे के ऊपर पीला पीला पाउडर जैसा जम जाता है, एंथ्रोक्नोस के चटके दिखाई देते हैं। ज्यादातर ये जो दिक्कतें हैं वो नर्सरी से आती हैं, तो आप सबसे पहले कोई अच्छी नर्सरी हो जहाँ पे आप दाग धब्बे रहित जो पौधे हैं वही आप खरीदिए। ज्यादा आप सस्ते पौधे के चक्कर में मत पड़िए कि हमें सस्ता ही पौधा चाहिए, क्योंकि ये फसल में जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, और जो मेन जो फल आता है किसी भी क्रॉप का वो उसके पौधे की क्वालिटी से आधा है। तो किसान भाई ये चाहते हैं कि उन्हें प्रोड्यूस अच्छी मिले, उन्हें प्रोडक्शन अच्छा मिले, लेकिन जहां प्लांटिंग मटेरियल लेने की बारी आती है वहां पे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि उन्हें सस्ते से सस्ता पौधा किस तरीके से मिल जाए, तो वहां से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। दूसरी फसलों को देखे हुए इसमें बहुत ही कम, हालांकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जितने फार्म्स हमने अभी तक लगाए हैं, चींटियों को छोड़ के बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। कभी गर्मी की वजह से कुछ पीलापन आया है, बाकी डिसीज इतने नहीं आते हैं, लेकिन
जो कुछ दूसरे किसान भाई अपने फोटोज हमें भेजते हैं, वहां पे जैसा मैंने बताया नर्सरी की प्रॉब्लम होती है, और ऑर्चर्ड को हम क्लीन नहीं रखते हैं, वहीं पे हमने जो कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, कुछ और टूटा फूटा है, वो सब हम वहीं डाल देते हैं। इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। और एक मेजर प्रॉब्लम हमने देखी है कि लोग प्रिवेंटिव स्प्रे नहीं करते हैं, जब कोई बीमारी आ जाती है उसके बाद वो इलाज के लिए घूमते हैं। तो ये सब चीजों को हम और एलोबरेटिव वे में इस चर्चा में हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ज्यादातर ये टॉलरेंट है मेजर पेस्ट डिसीज से, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे पेस्ट और डिसीज हैं जो इसके ऊपर में रिपोर्ट किए गए हैं, और ज्यादातर वो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि बहुत ज्यादा आपका ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाए, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सूखा पड़ जाए अचानक से, तो ये सारी की सारी चीजें प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर में चींटियों की प्रॉब्लम है, स्नेल्स आ जाते हैं इसके अंदर, बर्ड्स पक्षी जो है उसके फल को खा जाते हैं, और रोडेंट्स कभी कभी आ जाते हैं, टर्माइट की दिक्कत इसमें आ जाती है। अब अगर हम बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के लिए, जो ये आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत सारे पेपर्स को कंपाइल किया गया है, तो अलग अलग जगह जो पैथोलॉजिस्ट हैं और जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें रिपोर्ट की है। ये अलग अलग प्रकार के फंगस हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अल्टरनेरिया स्पीसीज हैं, एस्परजिलस स्पीसीज है, बाइपोलरिस है, बोट्राइटोस्फीरा है, इस तरीके से ये सड़न गलन पैदा करने वाले बहुत सारी फंगस हैं। तो बैक्टीरिया भी इसको अटैक करते हैं, फंगस भी अटैक करते हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक बहुत ज्यादा कुछ इसमें से देखा नहीं गया है। ये सारे के सारे थ्योरेटिकली रिपोर्टेड हैं, लेकिन क्यों इंडिया में इसलिए नहीं देखा गया है कि अपने यहाँ पे फसल ही अभी तक नई नई है, बहुत ही कम है, इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखें ताकि ये बीमारियां कभी हमारे खेत में आए ही ना। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो है स्टेम कैंकर की, जो इंडिया में भी बहुत देखी जाती है, जो तना है उसके ऊपर छोटे छोटे काले काले छेद हो जाते हैं। ये एक रिसर्च पेपर है ताइवान से, जिसमें उन्होंने बताया है कि ताइवान में जो स्टेम कैंकर है उसके अंदर में नियो सेक्टिलिडम नाम का जो फंगस है वो पाया गया है, और उसके कारण यहाँ उस वहां पर 80%, 80% जो उनकी कमर्शियल प्लांटेशन है वो इस डिसीज से अफेक्टेड है। जो तना होता है उसके ऊपर छोटे छोटे गोलाकार और संकर, मतलब अंदर की तरफ डूबे हुए और ऑरेंज ऑरेंज कलर के स्पॉट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ते जाते हैं, और बाद में जाकर के ये जो है फ्रूट्स के ऊपर भी आ जाते हैं। जो ये इन्फेक्शन है इसके लिए जो बहुत ही इसकी जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो 25 से 35 डिग्री है, लेकिन यही जो तापमान है वो हमारे पौधे की बढ़वार के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए इसमें अपने खेत को नीट एंड क्लीन रखना और प्रिकॉशनरी जो स्प्रे है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी रेमेडी क्या है, जो केमिकल मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारे जो भी फंजिसाइड अवेलेबल होते हैं वो फंजिसाइड का हम यूज कर सकते हैं, और इसमें साइप्रोडिनोल है, इसमें ज्यादातर ताइवान के केमिकल्स लिखे हुए हैं, लेकिन कोई भी जो फंजिसाइड आप साफ यूज करिए, बाविस्टीन यूज करिए, कॉपर ऑक्लोराइड भी उसमें काम कर जाता है, इस तरीके से आप फंगल ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन जो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें वहां से शुरू होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अधिकतर जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी नर्सरी शुरू होती हैं। सबसे पहले जो सीडलिंग है वो आप किसी अच्छी नर्सरी से ही आप लेकर के आइए, पहले पौधों को देखिए। दूसरी चीज है, जहां कहीं पे भी आपको ये कैंकर दिखाई देता है, जो भी इन्फेक्टेड चीजें होती है उनको आप प्रून कर दीजिए, और उसको काट करके वहीं खेत में नहीं डालना है आपको, अपने बागीचे से बाहर में, आप कहीं पे, यूजुअली हम अपने किसानों को एक गड्ढा करवाते हैं उनके खेत में किसी कोने पर, और ये जितने भी प्रूनिंग का मटेरियल होता है पूरा का पूरा उस गड्ढे में डाल के, फिर उसके ऊपर एक आप 2 से 3 इंच की गाय के गोबर की लेयर बना दीजिए, फिर उसको मट्टी से ढक दीजिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ताकि ओवर द टाइम धीरे धीरे करके वो डिकम्पोज होकर के और ये बीमारी आपके खेत में दोबारा नहीं फैलेगी। लेस रेन और लो टेम्परेचर जब होता है, स्पेशली सर्दियों में, तो वहां पर भी इसका जो प्रोपोगेशन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। उस टाइम में जब ये कम है उस टाइम में हमको प्रूनिंग ट्रेनिंग और दूसरा काम हमको करना चाहिए, क्योंकि जब बारिश का मौसम है,
या जब इसके कंजीनियल माहौल है उस टाइम में आप कभी भी प्लांट्स की ट्रेनिंग प्रूनिंग मत करिए, क्योंकि उस टाइम में ये जो फंगस है उसका प्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है और वो कट पोर्शन के ऊपर में आकर के इसको ज्यादा इसको बढ़ावा दे देगी। इसके अलावा एक कैक्टस वायरस एक्स है और इसमें मॉटलिंग वायरस भी एक है, जिसमें कि जो तने हैं उस पे रंग बिरंगे धब्बे पड़ जाते हैं, यूजुअली वो थोड़ा सा पीला हो जाएगा, कहीं कहीं पे उसमें लाल रंग के धब्बे भी देखे गए हैं। तो इस तरीके से ये मॉटलिंग वायरस है। इस मॉटलिंग वायरस को छोड़ के एक और भी वायरस मैंने इंडिया में देखा है, जहाँ पे जो पौधा है आपका वो अचानक से सूख जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी प्लांटिंग मटेरियल की वजह से ही है, क्योंकि उस पर हमने काफी ट्रीटमेंट्स करके देखे बट वो यूजुअली किसी फंजीसाइड वगैरह से वो ट्रीट नहीं होता है। इसके बाद में एक स्टेम सॉफ्ट रॉट होता है, ये यूजुअली जो आपकी जो इसकी स्टेम्स होती हैं हमारे ड्रैगन फ्रूट के उसके चोंच पर शुरू होता है, ये पीलास हो जाती है धीरे धीरे करके, मतलब पिलपिला होकर के वो पूरा का पूरा प्लांट सॉफ्ट और येलो हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम जो है कहीं कहीं पे इंडिया में देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा इलाज है कि जो पोर्शन आपका ऐसा डिसीज्ड हो गया हो आप उसको कट कर दीजिए, उसे डंप कर दीजिए, और जो कट पोर्शन है उसके ऊपर में आप बोर्डेक्स मिक्सचर जो है उसका पेस्ट आप उस पर लगा दीजिए। इसके बाद बहुत सारे और भी फंगस हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, क्योंकि अभी तक उतनी सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी अपने यहाँ पे नहीं हो रही है। ये जो बॉटलियोस्फेरिया नाम का जो फंगस होता है इसके अंदर में बुल्स आई, यानी कि आपको एक गोल रंग का चक्का दिखेगा, उसका जो किनारी है वो संकन होती है लेकिन उसके बीच में से उभरा हुआ जैसा मैं फीलिंग आती है, बट मैंने अभी तक अपने किसी फील्ड में ऐसा सिम्टम देखा नहीं है। यूजुअली अपने यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट ही हमने देखा है। एंथ्रेक्नोज जो है वो सबसे कॉमन डिसीज है जो इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कोलाइटोट्राइकम है, और रेड ब्राउन कलर के कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक एक लेयर के अंदर लेयर, यानी कि बहुत सारे छल्ले हों जैसे इस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो वो भूरे होते हैं, बाद में वो फैल करके काले हो जाते हैं, और ये जो है ये स्टेम को भी अफेक्ट करता है और ये फ्रूट के ऊपर भी अटैक कर देता है। और इसको हम जो मैंकोजेब हो गया ऐसे किसी भी फंजीसाइड के स्प्रे के साथ इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए यहाँ पर जो है हम एंथ्रोक्नोस जो है स्टेम के ऊपर भी दिख रहा है आपको, देखिए कंसेंट्रिक रिंग है एक के बाद एक एक, एक इसके ऊपर ऐसा लग रहा है बहुत सारे गोले हैं एक के अंदर एक, और अब नीचे बीच में जो है फ्रूट के ऊपर इसका दिखाया गया है, और उसके नीचे स्टेम के ऊपर में बहुत ज्यादा इसका जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तब उसके बाद ये किस तरीके से मिक्स होकर के उसका कलर और डार्क हो जाता है। और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर में जब उन्होंने देखा आप देख सकते हैं इसके कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया जो होते हैं वो फंगस के फैलने के आगे मतलब उसको प्रोपगेशन कैसे होता है उस छोटे कण को बोला जाता है, और जब आप बहुत पानी देंगे या बरसात होगी तो ये सारे कोनिडिया इधर उधर फैल करके हर जगह जाके नया स्प्राउट करेंगे और इस फंगस को और ज्यादा आगे बढ़ावा देंगे। ये फ्रूट के ऊपर एंथ्रेक्नोस डिसीज है। ये सारी तस्वीरें हैं कि जिनसे आप पहचान सकें कि यदि आप इनमें से कोई प्रॉब्लम अगर आपने देखी है कहीं पे तो आप उसकी जो रियल फोटोग्राफ है वो भी आप हमारे फेसबुक पेज पे डाल दीजिए या हमें पर्सनली या भेज दीजिए, और आपने उसमें क्या रेमेडीज किए हैं वो आप डालिए जिसमें आपको नहीं मिला, बिकॉज हमारे पास में एक फाइटोन कंपनी के बहुत सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं पिछले 3-4 साल से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी जो दूसरे प्रोडक्ट आप यूज करो जिसके अच्छे रिजल्ट्स हो, बिकॉज मैंने देखा है जो इन जनरल जो केमिकल्स हैं ड्रैगन थोड़ा सा सेंसिटिव है क्योंकि अपने यहाँ तापमान ज्यादा रहता है तो बहुत ज्यादा केमिकल्स को हम एडवाइस नहीं करते, और उसमें हमने इतना अच्छा रिजल्ट भी उसके देखे नहीं है। बट ऑर्गेनिक चीजें बहुत अच्छी और सर्टिफाइड कुछ बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं। आज हमारे एक स्पीकर आने वाले थे डॉक्टर बागची, हम कोशिश करेंगे उन्हें नेक्स्ट टाइम बुलाने की, वो भी आपको इनके बारे में कुछ रेमेडीज देंगे जो बड़ी सक्सेसफुल हैं। एक फ्रूट रॉट जो फल है टूटने के बाद भी हमने देखा है, हालांकि इसकी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी है, आप आराम से इसे 7 से लेकर के 14 दिन तक इसे आप रख सकते हो, लेकिन कभी कभी फ्रूट को तोड़ने के बाद उसके ऊपर ऐसे पानी के जैसे धब्बे दिखाई देते हैं
और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो काले रंग के धब्बे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो फ्रूट रॉट है। फ्रूट रॉट के भी बहुत सारे पैथोजन हैं जो उसको कॉज कर सकते हैं। अभी तक इंडिया में ऐसा किसी ने आइसोलेशन करके उसको कंफर्म नहीं किया है, पर ज्यादातर जो है बाइपोलरिस नाम की एक फंगस है जो दूसरे देशों में उन्होंने निकाले, जिस रिसर्च पेपर में से ये दिया है उसमें जो आइडेंटिफाई हुई थी वो बाइपोलरिस कैक्टिवोरा नाम का एक फंगस था जो फ्रूट रॉट का डैमेज करती है। ये आप फ्रूट रॉट के अलग अलग सिम्टम्स देख सकते हैं। ये कई बार जब पौधे के ऊपर लगा होता है फल तो भी इस तरीके से सड़ जाता है, कई बार वो इन्फेक्शन पहले से हो चुका होता है और फल को तोड़ने के बाद वो पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज में भी ये इन्फेक्शन बढ़ करके मंडी में जाते हुए सामान को खराब कर देता है। इसके बाद में मेरे स्क्रीन पे एक्चुअली मैं आधा ही स्क्रीन देख पा रही हूँ, नहीं मैम, इसलिए मेरे नहीं पूरा आ रहा है। पूरा आता है, लेकिन मेरे इसमें ना यू आर शेयरिंग द स्क्रीन ये वाली लाइन आ जाती है जिससे मैं आधा नहीं पढ़ पाती हूँ। ओके, तो आप ऊपर ले सकते हैं मैम, अगर साइड में भी रख सकते हैं। हाँ वो ऊपर है इसको, अच्छा हाँ ओके मैंने अभी से नीचे रख दिया, फाइन नाउ आई कैन सी। सो अब आया स्टेम रोट। जो स्टेम रोट है वो इंडिया में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। हर रोज हमारे पास में किसानों के फोटोज आते हैं कि उनके जो पौधे हैं वो पीले पड़ के सड़ रहे हैं। स्टेम रॉट दो तीन तरीके से ये मिक्स हो सकता है, ये कभी पत्ता जो आपका पीला पड़ के पिचपिचा हो गया है तो वो स्टेम रॉट के कारण भी हो सकता है, लेकिन वो आपका सन का डैमेज भी हो सकता है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये एक मेजर प्रॉब्लम है बहुत सारे देशों में और इंडिया में भी। जेंथोमोनास नाम का बैक्टीरिया है जिससे ये फैलता है और इसके अंदर में कुछ फंगस भी निकाली गई है उसके अंदर से। ये सभी मिल करके जो आपके स्टेम है वो येलो हो जाती है, पिलपिली हो जाती है। तो ये अलग अलग इसके इंसिडेंस हैं कि वो शुरुआत में हल्का पीले जैसा दिखता है और उसको यदि कंट्रोल ना किया जाए टाइम पर तो वो पूरे के पूरे खेत में फैल करके पूरी की पूरी आपके प्लांटेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यूजुअली स्टेम टिश्यू में शुरू होता है, येलोइंग होगी, धीरे धीरे सॉफ्टनिंग हो जाएगी, स्मेली रॉटनिंग आने लगेगी और एडवांस अटैक जो होगा वो टोटल रॉट हो जाएगा। इसके कंट्रोल मेजर में आप प्रूनिंग कर दीजिए, कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड आप स्प्रे करिए, बॉर्डेक्स मिक्सचर आप करिए। अच्छा एक इसके अंदर मैं आपको छोटा सा एक डिफरेंस बताऊंगी जो बहुत ही कॉमन लेमैन डिफरेंस है। यदि आपके पौधे में कोई गलन सड़न है और आपको यदि ये डिफरेंस पता करना है कि ये फंगस के कारण है या बैक्टीरिया के कारण है, क्योंकि बैक्टीरिया होगा तो आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या ऐसे बैक्टीरियसाइड्स यूज करने पड़ेंगे, यदि फंगस होगी तो आप कोई फंजीसाइड यूज करेंगे। इसका एक मोटा मोटा सा बहुत कॉमन थंब रूल जैसा ये है, आप उस जो आपका सड़ गया है पोर्शन उस प्लांट का, आप इसको छोटे से को काट के आप उसको स्मेल करके देखिए, अगर उसके अंदर में सड़ी हुई स्मेल आ रही है, थोड़ी सी एल्कोहलिक और फर्मेंटेड टाइप की स्मेल आती है तो यूजुअली वो बैक्टीरिया होता है, या फिर आपको बिल्कुल सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आएगी तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जहां फंगस होती है यूजुअली फंगल इन्फेक्शन में कोई ऐसी ऑफ या फाउल स्मेल नहीं आती है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा बैक्टीरियल प्रॉब्लम है या फंगल प्रॉब्लम है, उसके अनुसार ही आपको बैक्टेरियासाइड या फिर आपको फंजीसाइड का यूज करना चाहिए। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो सभी लोगों को रहता है। इसके अलावा ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, बीटल्स हैं, एंट है, बर्ड्स हैं जो इसको प्रॉब्लम करती है। बर्ड्स के लिए तो ये है जब फल पूरा पक जाएगा उसके बाद बर्ड्स जो हैं इसके ऊपर में आते हैं, तो हम फ्रूट के ऊपर में फ्रूट बैग जो है वो लगा सकते हैं। जो चींटियां हैं वो क्योंकि इसका नेक्टर होता है, इसका फूल हमें बहुत ज्यादा नेक्टर होता है, उसको फीड करने आती हैं, तो उसका रेमेडी मैं आपको एक अगले स्लाइड में बताऊंगी। फ्रूट फ्लाई जो है अभी तक इंडिया में रिपोर्टेड नहीं है, बट मैंने फ्रूट फ्लाई देखा है अपने इंडियन फ्रूट्स में भी। यदि एक बार फ्रूट फ्लाई आ गई, आप जानते हो पहले से जो लोग बागवानी करते हैं कि फ्रूट फ्लाई इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ज्यादातर फ्रूट्स में, चाहे वो आप आम की बात कर लें या दूसरे फ्रूट्स की, तो फ्रूट फ्लाई यदि किसी भी कंसाइनमेंट में होती है तो क्वारंटाइन हो जाता है और हमारा हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो हमारे लोग अभी, क्योंकि इंडिया में 95% से ज्यादा इंपोर्टेड ड्रैगन फ्रूट होता है, तो अगर इसमें कोई ऐसे इंपोर्टर्स भी हैं इस प्रेजेंटेशन में तो मैं उनसे ये अपील करूंगी कि आप कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं क्वारंटाइन के, आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि अगर एक बार ऐसी बीमारियां बाहर से यदि आ गई, क्योंकि फ्रूट भी जो है कई तरीके से इन्फेक्टेड होता है, फ्रूट फ्लाई उसमें एक मेजर चीज है, यदि गलती से हम क्वारंटाइन में स्किप करके यदि हम
फ्रूट फ्लाई लोडेड अगर हम ड्रैगन फ्रूट ले आएंगे और अपने यहाँ पे यदि वो फ्लाई आ गई तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, हालांकि हम बहुत लूजली इनको लेते हैं ज्यादातर लोग। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ड्रैगन फ्रूट के ऊपर में कई सरकारें इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि वो अपने यहाँ से फ्रूट भी कहीं दूसरी जगह बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के ले जाने नहीं देती हैं। तो हमें भी थोड़ा सा खुद से जो है इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम कहीं से यदि प्लांटिंग मटेरियल ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, तो हमें प्रॉपर क्वारंटाइन रूल्स को फॉलो करके ही उसको लाना चाहिए। ये स्टेम कैंकर के बड़े अच्छे से फोटोग्राफ्स हैं जो हमने एक रिसर्च पेपर में से लिए हैं। आप इसके ऊपर बड़ी क्लियरली देख सकते हो कि शुरुआत में ये बहुत हल्का फुल्का छोटे छोटे लीजन्स दिखते हैं, जिसको ना संभाला जाए तो ये बढ़ते बढ़ते जो है आपका बहुत ज्यादा फैल जाता है ये। और ये एक एक लीजन को इन्होंने बड़ा फोटोग्राफ लिया है, फिर कैसे इसके अंदर में पूरे कंसेंट्रिक रिंग्स दिख जाते हैं। तो और फिर इसके अंदर में आप जो है इसके जो पिकनीडियाज बोलते हैं, जो उसका सीड होएगा जो आगे जाकर के इस फंगस को और ज्यादा फैलाता है, इस प्रकार के काले काले छोटे छोटे दाने जैसे दिखते हैं। तो ये स्टेम कैंकर जो है बड़ी आज की तारीख में एक मुसीबत बन गया है इंडिया में भी। ये और कुछ फोटोग्राफ्स हैं स्टेम कैंकर के, बहुत ज्यादा पास से माइक्रोस्कोप के थ्रू लिए गए, क्योंकि जब आपको सही पहचान नहीं होगी प्लांट प्रॉब्लम का तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से फ्रूट रॉट, फ्रूट रॉट के अंदर में भी आपको एक डिप्रेस्ड वाटर सोग लीजन्स होते हैं जो ऑलिव से ब्लैक कलर के होते हैं, और ये प्रॉब्लम भी जो है अभी तक तो बहुत ज्यादा भारत में नहीं देखी गई है, लेकिन यदि किसी किसान भाई ने कहीं जो भी प्रॉब्लम देखे हो आप उनको शेयर जरूर करिएगा। ये फ्रूट फ्लाई का है, ये फ्रूट फ्लाई जैसे दूसरे फ्रूट्स में होता है, उसके अंदर घुस के अंडा देती है, उसके अंदर उसके मैगट्स बनते हैं जो फ्रूट को खाएंगे, और पूरा जो अंदर का पल्प होगा वो पिलपिला और पिचपिचा होकर के खराब हो जाएगा और उसके अंदर में मैगट्स निकलेंगे। ये मैंने इंडिया में देखा है, एक बार हमने शोलापुर डिस्ट्रिक्ट से कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे और एक हफ्ते के बाद में जो है हमारे ज्यादातर फ्रूट्स जो है वो सड़के खराब होने लगे थे, तो उसके अंदर से हमें मैगट्स मिले थे। ये कुछ डिसऑर्डर्स, ये जो फोटोग्राफ है एक कंपाइलेशन है, बारामती में अपने यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो एबायोटिक स्ट्रेस के ऊपर काम करता है, उनकी एक कंपाइलेशन है जिसमें से ये फोटोग्राफ मैंने लिया है। तो उसके अंदर में आप देखिए किस प्रकार ये डिसऑर्डर एक कच्छ से उन्होंने दिखाया है कि फ्रूट की गर्दन बहुत लंबी हो गई होगी। ये जो इस प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं यूजुअली ये पॉलिनेशन की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। जिस टाइम में फ्रूट सेटिंग हो रही है, अगर तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम हो या अच्छी तरीके से पॉलिनेशन ना हुई हो तो ऐसी प्रॉब्लम ज्यादातर देखने में आती है। ये राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि पक्षी जो है वो चोंच मार के फ्रूट्स को खराब कर देते हैं, ये लगभग हर एक फ्रूट में ही ये प्रॉब्लम होती है। फिर ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं कि कई बार एक ही टहनी पे एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं, उसमें थोड़ा सा फंगल भी होगा, उसमें बैक्टीरिया भी साथ में हो सकता है, कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाता है। तो नेचर में यूजुअली प्योर फॉर्म में एक ही डिसीज होता है बहुत कम, लेकिन यूजुअली मिक्स भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम अपने खेत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और बड़ा अनहाइजीनिक यदि हमारा खेत होता है तो। इसी प्रकार नीचे के फोटो में आप देख सकते हैं ये एक मिक्स्ड फंगल इन्फेक्शन है जिसमें एक से ज्यादा तरीके की फंगस ने अटैक किया हुआ है। ये एक पोस्ट हार्वेस्ट डिसीज है, यानी कि फल कटने के बाद भी उसके अंदर में प्रॉब्लम्स आ सकती है, जब आपने तोड़ा है बड़ा स्वस्थ दिख रहा है लेकिन उसके बाद में जब आप उसको स्टोर करेंगे उसके बाद उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। इसका मतलब इन्फेक्शन पहले से पौधे के ऊपर ही था और आने के बाद धीरे धीरे करके उसके सिम्टम अराइज हुए हैं। ये सारे के सारे एक रिसर्च पेपर के फोटोग्राफ्स हैं जिनका रेफरेंस आपको आगे की स्लाइड में मिल जाएगा। पेस्ट, इसके अंदर में सकिंग पेस्ट आ जाते हैं, कुछ बग्स होते हैं जो इसका रस चूस लेते हैं, फ्रूट फ्लाई होती है काफी सारी जगह में, और लेकिन फिर भी बाकी जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम पेस्ट जो है वो ड्रैगन फ्रूट में देखे जाते हैं। एक चींटी का बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, ये मेरे एक किसान के द्वारा भेजी हुई फोटो है। तो इसके अंदर आप देखिए इतना ज्यादा डैमेज है कि खाते खाते चींटी ने पूरा ब्लैक कलर का इतना ज्यादा निशान बना दिया। यूजुअली इतना सीरियस होता नहीं है, इससे दिखाते हैं कि जब उनके यहाँ चींटी का इन्फेक्शन था तो भी उन्होंने उसके लिए कोई रेमेडी नहीं की है। तो यदि आप प्रॉब्लम के ऊपर आप कॉन्स्टेंटली आप इफ यू विल नॉट कीप अ वॉच तो आपका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा।
तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रिवेंटिव स्प्रे आप जरूर रखें। चींटी के लिए बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप नमक का पानी उसके ऊपर डालिए, आप हल्का सा नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, आप प्लांट के चारों तरफ थोड़ा सा नीम को बुरक दीजिए, तो ये चींटियां दूर रहेंगी। ये जैसे यहाँ पे मैंने आपसे शेयर किया इसके कंट्रोल क्या है। चींटी के लिए हमने कई बार किसान भाई बताते हैं वो मेनकोजेब हो गया या कोई और बहुत खतरनाक मोनोक्रोटोफॉस जैसी ऐसी ऐसी चीजें भी हमने सुना है किसानों से, तो कृपया करके आप ऐसे बहुत ही डेंजरस केमिकल्स को आप ना यूज करें स्पेशली फ्रूट्स के ऊपर में। अब कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ड्रैगन फ्रूट जो है उसके अंदर में सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है कि जब हमारे यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा होती है, अब क्योंकि नई नई फसल है बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं है इसके ऊपर में, तो किसान भाइयों को ये पता नहीं होता है कि इसको किस प्रकार इसकी खेती करनी है। तो इसके साथ में थोड़ा सा आपको डिपेंड करेगा लोकेशन पर। अभी यहाँ पे कोई जनरल रिकमेंडेशन हम दे दें और हर कोई इसको फॉलो करने लगे वो भी ठीक नहीं है। तो कहीं कहीं पे जब बहुत ज्यादा गर्मी है और उन्हें एश्योर्ड रेट्स मालूम है तो आप उसके अंदर में ऊपर में हम एंगल लगा के उसके ऊपर शेड भी लगाते हैं। एक कंपनी है बहुत अच्छी गुजरात से जिसने की वुवन फैब्रिक बनाया है, क्योंकि ग्रीन शेड नेट जो हम पहले लगवाते थे वो एक दो सीजन में ही फट जाता था, वुवन फैब्रिक जो है वो ज्यादा उससे स्ट्रॉन्गर है। जिस किसान भाई को चाहिए वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हमने नॉन वुवन फैब्रिक जो है वो हमने यूज किया था, लेकिन वो सस्ता पड़ता है लेकिन वो एक सीजन भी नहीं निकालता। अपने यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है कि वो एक सीजन में ही फटके टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पूरे खेत में जो है उसका पाउडर फैल जाता है, तो हम अब उसकी रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। आप इसके साथ कुछ दूसरी क्रॉप्स लगा सकते हैं, जैसे हम ड्रमस्टिक लगवा देते हैं तो उससे थोड़ी छाया हो जाती है, और जब फ्रूटिंग सीजन शुरू हो जाए तो आप ड्रमस्टिक की प्रूनिंग कर दीजिए, तो ये भी एक तरीका है उसको धूप से बचाने का। हालांकि ये ड्रॉट हीट टॉलरेंट है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि इसको छाया की या केयर की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हमें पहाड़ों से फोन करते हैं कि क्या पहाड़ों में हो सकता है, ठंड में बर्फ पड़ेगी तो नहीं होगा लेकिन फ्रीजिंग टेम्परेचर से जो डैमेज होगा, जैसे ही गर्मी आएगी तो ड्रैगन फ्रूट बहुत जल्दी से उसको रिकवर कर लेता है। फिर ड्रॉट को सहन करने की इसके अंदर शक्ति ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी पानी नहीं होना चाहिए बिकॉज ज्यादा पानी आएगा तो बैक्टीरियल फंगल प्रॉब्लम आ जाएंगी, और जो लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर, अगर बहुत कम पानी दोगे फ्रूटिंग सीजन में स्पेशली तो फ्रूटिंग में दिक्कत आएगी क्योंकि फ्लावरिंग जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है कि आप इसके अंदर में कब पानी देंगे, कितना देंगे, तो जो आपकी सॉयल होगी, आपके वहां का जो क्लाइमेट होगा, वो सब अगर आप हमारे साथ शेयर करते हैं तब हम आपको आपके लोकेशन स्पेसिफिक शेड्यूल जो है वो बना पाते हैं। इन सब चीजों के बड़े कॉमन आंसर देना, क्योंकि जो कच्छ गुजरात में जो प्रोटोकॉल फॉलो होगा वो बेंगलोर के माइल्ड क्लाइमेट में नहीं फॉलो होगा, क्योंकि वहां का वातावरण अलग है, आपका अलग है। हरियाणा में गर्मी और सर्दी बहुत ज्यादा है, यहाँ जो प्रोटोकॉल हम देंगे वो कन्याकुमारी में वो फॉलो नहीं हो पाएगा। ये सबसे ज्यादा जो हमारे पास फोटोग्राफ्स आए हैं वो इस प्रकार के फ्रूट ड्रॉपिंग की है कि स्पेशली मॉनसून में जो है, क्योंकि मॉनसून ही इसका मेन फ्रूटिंग टाइम है, तो जो पौधे के फूल हैं वो पीले पड़ के झड़ जाते हैं। इसके अंदर में कुछ जो है वो मेल फ्लावर्स होते हैं, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपको मेल फीमेल फ्लावर को समझाने के लिए। कुछ जो शुरुआत में आते हैं फ्लावर वो छोटे छोटे पीले हो जाते हैं, वो एक नॉर्मल फिनोमिनन है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, यदि आपके खेत में ज्यादातर फ्लावर्स पीले होके पड़ जाए वो प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर फ्लावर यदि उसी प्रवृत्ति के वो भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, या बिकॉज मैं केमिकल को बहुत ज्यादा हम बढ़ावा नहीं देते, अदरवाइज आप हॉर्मोन्स का यूज कर सकते हैं फीमेल रेशियो को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे एक तो होती है आपका टाइप ऑफ फ्लावर की प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यदि आपके पौधे को अच्छी तरीके से आपने पोषण नहीं दिया, न्यूट्रिशन नहीं दिया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, तो भी आपके फ्लावर ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा। फिर इम्प्रॉपर पॉलिनेशन, यदि आप बहुत ज्यादा केमिकल का यूज करते हैं, सारे पॉलिनेटर ही गायब हो जाए आपके खेत में से, तो भी आपके येल्लो होकर के फ्लावर जो है वो फ्रूट सेटिंग से पहले या तुरंत फ्रूट सेटिंग होने के बाद में वो गिर जाएंगे। ये फोटोग्राफ जो है सबसे कॉमन प्रॉब्लम और सबसे कॉमन चीज जो है सन बर्निंग इंजुरी की है, कि आपका जो पौधे हैं वो धूप से जल जाते हैं। तो इसके लिए एक तो आपको मल्च करके रखना है, आप कभी भी ड्रैगन फ्रूट के खेत को आप खुला मत छोड़िए, आप ऑर्गेनिक मल्च को यूज करिए,
और क्योंकि जो धरती पर पड़ के जो वापस रेडिएशंस जाती हैं वो रेडिएशन ज्यादा अफेक्ट करती हैं पौधे को शाम के टाइम में, तो आपकी धरती जो है कवर्ड होनी चाहिए। ये कुछ और हमारे पास आज फोटोग्राफ्स आए थे, ये मैंने भी फील्ड में बहुत कॉमन देखा है कि कुछ बहुत हेल्दी पौधे और अचानक से सूखने लगते हैं, तो ये फंगल प्रॉब्लम भी है और एक ये वायरल प्रॉब्लम भी है जो कि प्लांटिंग मटेरियल में से भी आती है कि अचानक से पौधा सूख जाए, कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा। तो यूजुअली इसके अंदर में आप ट्राइकोडर्मा है, पेसिलोमाइसिस है, इन दोनों से आप ब्रांचिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं और एक थोड़ा सा अपने पोषण को आप थोड़ा सा प्लांटिंग मटेरियल में आप न्यूट्रिशन थोड़ा बराबर इसमें डाल करके रखिए। सॉइल को मॉइस्ट रखिए, उसको गीला भी नहीं रखना है, उसको बहुत ज्यादा सूखने भी नहीं देना है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से बच पाएंगे। अब जो ट्रेंड है यूजुअली, और अब हम अच्छी फसल के लिए और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक साइंटिस्ट ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, ज्यादातर इंडिया में भी ऑर्गेनिकली ग्रोन पिटाया है तो हम केमिकल का ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनसे भी अपील है कि वो इसको ऑर्गेनिक करिए क्योंकि यील्ड का बहुत डिफरेंस नहीं आता है स्पेशली ड्रैगन फ्रूट में। और क्रॉप के हाइजीन को मेंटेन करना, आप केमिकल कंट्रोल और दोनों का मिक्सचर जो है उसको एटलीस्ट आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट डालिए। फ्रूट्स की बैगिंग की जाती है, सॉयल अमेंडमेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, सॉयल कंडीशनर्स हैं, सॉयल बैक्टीरिया हैं, इनको आप यूज करिए। फिर सॉयल इंप्रूवमेंट के बहुत सारे नए नए मॉलिक्यूल्स आए हुए हैं, आप उनको यूज करते हैं, क्वारंटाइन मेजर्स को यूज करते हैं, तो हम जो बाहर से भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे भी हम मुकाबला कर पाएंगे। इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसको फॉलो करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस में है कि सैनिटेशन, जब भी आप जिस भी कटर से प्रूनिंग प्रूनर है, कटर है, स्केटियर है, जो आप यूज कर रहे हैं आप उसके अंदर में कोई आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए, डेटॉल ले लीजिए, कोई भी आप डिसइंफेक्टेंट डालिए और उन टूल्स को एक पौधे को कट करने को, स्पेशली इन्फेक्टेड वाले को कट करने के बाद अपने सिकेटियर कटर को उस सॉल्यूशन के अंदर डाल करके ही आप दूसरे पौधे पे जाए, वरना एक से दूसरे में वो स्पेशली फंगल इन्फेक्शन जो है, जो आपको मैंने छोटे छोटे आपने ब्लैक कलर के दाने देखे, उसके पिकनीडियाज देखे, दूसरे उसके ग्रोइंग पार्ट्स देखे, वो बड़ी जल्दी फैलेंगे। फिर पौधे को हेल्दी रखिए, उसको प्रॉपरली वाटरिंग और फर्टिलाइजर दे के रखिए, उसके आसपास के एरिया को आप वीड फ्री रखिए, जितना ज्यादा वीड्स होंगे उसमें ही इतने बाहर के भी दूसरे इन्फेक्शन को लेकर के रखता है, तो कीप योर फील्ड वीड फ्री और उसको पेस्ट फ्री आप रखिए। टाइम से आप प्री एक्टिव स्प्रेज करिए और फंगल डिसीज के लिए आप कॉपर फंजीसाइड्स का आप यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियल डिसीज के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को आप यूज कर सकते हैं। ये डॉक्टर लिली हैं मलेशिया से, उन्होंने एक बहुत सुंदर कंपाइलेशन किया है, उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स अपने देश में उन्होंने देखी थी उसको बहुत अच्छा किया, ये बड़ा ही कॉमन सा मुझे लगा इसलिए मैंने इसे एज सच यू का यू मैंने यहाँ शेयर किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए भी। सबसे पहली बात है कि अवॉइड प्लांटिंग इन एरिया विद हाई रेनफॉल एंड हाई वाटर टेबल। ये चीज हम यहाँ पे भी कोई भी जब नया फोन आता है उसको भी हम यही चीज समझाते हैं, आपके खेत में यदि चोवा, हमारे यहाँ से चोवा कहते हैं, यदि वाटर टेबल ऊंची है आपकी, यदि वो 6 से 7 फीट के ऊपर हो, तो आप वहां पे कोई भी बागवानी, नॉट ओनली ड्रैगन फ्रूट, आप कोई भी बागवानी मत करिए। करना भी है तो उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, आप हमारे एग्रोनॉमिस्ट को सपोर्ट करके उसको देखिए। यूजुअली हम वहाँ रेज्ड बेड बनवाते हैं और उसके ऊपर ही आप उसकी खेती करिए। स्टार्ट विद डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, भले ही आपको 2 रुपए ज्यादा महंगा प्लांटिंग मटेरियल मिले लेकिन आप तसल्ली करिए और आप अच्छी डिसीज फ्री ही प्लांट मटेरियल को आप यूज करिए। डोंट यूज कंपाउंड फर्टिलाइजर विद हाई नाइट्रोजन कंटेंट, और आप उसको बहुत ज्यादा तो नाइट्रोजन मत डालिए बिकॉज इसका कोई ट्रू लीफ नहीं होते हैं, ट्रू स्टेम नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा केमिकल्स जो है वो, क्योंकि एक टाइप का कैक्टस है, इसमें नुकसान देते हैं। डू नॉट मेंटेन टू मेनी सूडो स्टेम्स, जो तना है आपका एटलीस्ट जब तक वो पोल के ऊपर नहीं पहुंचता एक ही तने को इस्तेमाल करिए और उसको ज्यादा मत फैलने दीजिए, ऊपर जाके आप उसको कर सकते हो, और थोड़ा सा एरिएशन होनी चाहिए प्रॉपर आपके खेत में, ऐसा नहीं कि इतना पास पास लगा लिया, कभी उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं की, कभी कटिंग नहीं की है, तो उसके कारण भी डिसीज का इंसिडेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो घास है उसको उखाड़ने के बजाय आप उसको ट्रिम करके रखिए। यदि आप इंटरनेट पे कोई भी ड्रैगन फ्रूट फार्म के फोटोज देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो पूरी हरी हरी घास उसमें दिखाई देती है, तो वो क्या है कि सॉइल को पकड़ के रखती है और आपके मॉइस्चर को मेंटेन करती है, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। एक्सेसिव प्रूनिंग जो है वो भी आपको, मतलब जो भी आपका इन्फेक्टेड पार्ट हो
बैक्टीरिया से हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उस इससे को आप काट दीजिए, और उसको जो प्रूनिंग करने का मंथ भी है वो ड्राई मंथ को आप यूज करिए, और वहां से आप जैसे ही उसका जो वुंड होता है उसको जो है आप तुरंत ही कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे करके आप इसे ये कर दीजिए। गुड, जो फार्म हाइजीन प्रैक्टिस है वो आपका, जो आप घास आपने उखाड़ी है, आपने कोई और कटे फटे चीजें जो डाली वो आप हमेशा अपने खेत से बाहर उसको डालिए, अपने खेत को जो है साफ सुथरा आप रखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। जो फ्लावर होता है जब उसमें फ्रूट सेटिंग हो जाए तो आप देखेंगे उसके ऊपर सूखी हुई छोटी सी उसकी पूंछ जैसा रह जाता है, तो वो जैसे ही आपके फ्रूट सेटिंग हो जाए आपको लगे कि ये मेरा पौधा जो है सेट हो गया है, तो आप उस पूंछ को आप निकाल दीजिए, तो वो उसके अंदर भी बहुत सारे डिसीज ऑर्गेनिज्म स्पेशली फंगस वगैरह जो है वो इजिली उसमें आ जाती है। तो जिस प्रकार हम केले की खेती में फ्रूट सेटिंग के बाद में हम केले के फूल को तोड़ देते हैं, इसी प्रकार ड्रैगन फ्रूट का सेटिंग होने के बाद आप ड्रैगन फ्रूट के जो सूखा हुआ फूल है उसको भी आप निकाल दीजिए। जो एंट स्नेल हैं, जो घोगे होते हैं, वो सभी हेल्प करते हैं फंगल स्पोर्ट्स को और बैक्टीरिया को भी बढ़ाने में, तो उनके जहां कहीं पे भी आपको चींटियों के घोंसले दिखें उनको फिजिकली रिमूव कर दीजिए। जो स्नेल है उसके लिए आप स्नेल यूजुअली आएगा आपका ज्यादा बरसात वाले एरिया में, साउथ इंडिया में ज्यादा दिखेगा, नॉर्थ में स्नेल की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो आए तो स्नेल के लिए बहुत सारे स्नेल बाइट्स अवेलेबल होते हैं, आप उसको यूज करिए, वरना स्नेल भी आराम से यदि आप उसके चारों तरफ में नमक डाल देंगे या तंबाकू का आप बुरका डाल देंगे तो उससे स्नेल और चींटी दोनों ही चले जाते हैं। जो फ्रूट है उसकी जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसको एकदम साफ सुथरे आप कटर के साथ में आप उसको काटिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्शियल शेड जो है वो आप चाहे ड्रैगन ड्रमस्टिक लगाइए या कोई और आप प्लांट लगाइए आपके वातावरण के अनुसार, वो थोड़ा सा आप पार्शियल शेड मेंटेन करके रखिए ड्रैगन फ्रूट के फार्म में, और उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग इस तरीके से करके रखिए कि आपके आपको पूरी छाया भी नहीं करनी है, छाया के नीचे ये पेड़ नहीं होगा, लेकिन उसको ज्यादा धूप के टाइम में भी उसको हमें बचाना है। और लेट इवनिंग में जो है आप आर्टिफिशियल लाइटनिंग कर सकते हैं, यदि आपको एक अच्छा रेट मिल रहा है फ्रूट्स का तो वो लाइटनिंग, आर्टिफिशियल लाइटनिंग के ऊपर हम अलग से आपको एक लेक्चर की सीरीज देंगे, बट वो भी आप कर सकते हैं। जो पुराने स्टेम होते हैं, जो मैच्योर फार्म होगा वहां पर आप लाइटनिंग का यूज अप करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रॉब्लम्स होती हैं सॉइल बॉर्न फंगस के कारण में, उसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि जो हार्वेस्टेड फ्रूट है उसको आप सॉइल के साथ, जैसे कई लोग है उसको काट के पूरे फलों को नीचे जमीन पे रख देते हैं फिर वहां से इकट्ठे करते हैं, तो वो यदि फ्रूट के ऊपर भी कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो भी आपका जमीन में जब रखा है उस टाइम में वो जमीन में भी उसके स्पोर्स जो है वो गिर जाएंगे, तो आप हमेशा हार्वेस्टिंग बास्केट रखिए, प्रूनिंग के लिए आप अलग अलग सिकेटियर कटर्स रखिए, और उसके बाद भी ये जो बास्केट्स भी होती हैं एक दिन की हार्वेस्टिंग हो गई तो आप उनको भी डिसइनफेक्टेड के साथ धो करके सुखा के आप उनको रखिए। इंडिया में हम ज्यादातर बहुत हल्के में इन सब चीजों को लेते हैं, हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है या खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन यदि हमने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आज आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही है लेकिन कल आपके खेत में ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये सब चीजों को हम अपनी आदत बना लेनी चाहिए, अपने फार्म लेबर को ये सब चीजें हमें सिखा करके रखनी चाहिए। लंबे टाइम की जो कमर्शियल फ्रूट की अगर आपको रखना है, इसे कहीं एक्सपोर्ट करना है, तो 55 डिग्री टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम उसे कर देते हैं, फिर 10 डिग्री तापमान पर आप आराम से इसे 2 हफ्ते तक रख पाएंगे। आज के टॉपिक को थोड़ा सा कंक्लूड यदि करें तो इसका यही जिस्ट निकल के आता है कि करंटली हालांकि पूरे दुनिया भर में इसमें बहुत सारे डिसीज प्रॉब्लम्स हैं जहां पे बहुत इसका एरिया बढ़ गया है, इंडिया में क्योंकि इसका एरिया अभी कम है यहाँ पे बहुत ही कम इसके पेस्ट और डिसीज हैं, और जो प्रॉब्लम भी है उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आप अपने फार्म की हाइजीन को कैसे मेंटेन करेंगे, ओवरऑल जितना ज्यादा हो सके इसको ऑर्गेनिकली करने की कोशिश करिए, और बेमतलब में ज्यादा जो केमिकल्स को आप यूज करेंगे तो आपका खेती खर्चा बढ़ेगा,
आपके प्रॉफिट्स जो है वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएंगे, और जितने ज्यादा आप केमिकल्स डालेंगे उतना ज्यादा ही इसमें टॉलरेंस आएगा। और स्पेशली यूरिया का इस्तेमाल बहुत ही कम रखिए आप ड्रैगन फ्रूट में, यूरिया से बहुत प्रॉब्लम होते हैं, एमोनिया जो उसमें से निकलता है इसमें काफी ज्यादा स्टेम रॉट और उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसको ऑर्गेनिकली करने की कोशिश करिए। ये सारे रेफरेंसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो हमने यूज किए हैं इस पेपर को बनाने में। यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आपने अभी जितना हमारे पास टाइम होगा हम उसको आंसर करेंगे। बाकी आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को फेसबुक पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप डालिए। ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का ड्रैगन फ्लोरा का, आप इस पे अपने फोटोज और इसको डालेंगे तो आपको रेमेडीज मिलेंगी। इसमें मैंने एक स्लाइड नहीं रखी है, जो जो सर्विसेज ड्रैगन फ्लोरा प्रोवाइड करती है, हमारे यहाँ आपको एग्रोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, हेल्दी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल आपको मिलता है, और मार्केटिंग लिंकेज हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और यदि आपको वैल्यू एडिशन ड्रैगन फ्रूट में करना चाहते हो आप, उसको आपको सीखना है, तो वो ट्रेनिंग्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में धनराज आपको एक स्लाइड शेयर करेंगे कि अभी हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग सीरीज ऑर्गेनाइज हो रही है 15 जुलाई से, उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो लोग वेबिनार में इसको सब्सक्राइब करते हैं उन्हें स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। तो इसके साथ में मैं आज का अपना जो प्रेजेंटेशन है उसे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपके यदि कोई क्वेश्चंस हो तो अब हम